गुरुवार की रात को मूलाराम पाली से जोधपुर के लिए रवाना हुए तो रास्ते में ओम बन्ना के धाम के पास सड़क के किनारे खड़े एक व्यक्ति ने हाथ देकर उनका ट्रक रुकवाया। मूलाराम ने हमें बताया कि उसने ट्रक रोका तो उस व्यक्ति ने उसको भी जोधपुर ले जाने का आग्रह किया, तो ड्राइवर मूलाराम ने उस व्यक्ति को अपने ट्रक में बैठा लिया और जोधपुर की ओर रवाना हो गए। रास्ते में बातचीत के दौरान उस व्यक्ति ने मूलाराम से कहा कि मुझको एक ट्रक ईंटें डलवानी है, आप डाल दोगे क्या? इस पर मूलाराम ने कहा कि जरूर डाल दूंगा, मेरा यही व्यापार है। इस पर उस व्यक्ति ने मूलाराम को 20,000 रुपए एडवांस के रूप में दिए और कहा कि जहां मैं इस ट्रक में बैठा था वहीं कल ईंटें डाल देना। मूलाराम ने बताया कि इसके बाद जोधपुर आ गया और वो व्यक्ति उतर कर चला गया। अगले दिन मूलाराम ट्रक में ईंटें भरकर चोटीला धाम पहुंचा और वहां उसने ईंटों से भरा ट्रक खाली कर दिया, तो ओम बन्ना के स्थान पर उपस्थित लोगों ने मूलाराम से कहा कि भाई ये ईंटें किसने मंगवाई है? तो इस पर मूलाराम इधर उधर देखने लगा, तभी अचानक उसकी नजर ओम बन्ना के फोटो पर पड़ी, तो उसने तपाक से फोटो की ओर इशारा करते हुए कहा कि इन भाई जी ने कल रात ऑर्डर दिया था एक ट्रक ईंटों का। मूलाराम के इस कथन पर ग्रामीण सन्न रह गए, पर जब उन्होंने मूलाराम से कहा कि ड्राइवर साहब इनका स्वर्गवास तो हुए कई साल हो गया, तो मूलाराम भी चकित रह गया। मूलाराम ने हमारे संवाददाता से कहा कि मुझे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा है कि ओम बन्ना ने मुझे दर्शन दिए और स्वयं मेरे ट्रक में बैठे। दोस्तों, इस कहानी को झूठी मानने की भूल मत करना और इसे कम से कम 20 लोगों तक जरूर शेयर करना, आपको निश्चित ही लाभ होगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय ओम बन्ना लिखकर आपकी मनोकामना लिख दीजिएगा। हमारा पूरा विश्वास है कि ओम बन्ना आपकी हर तमन्ना हर मनोकामना को पूर्ण करेंगे। साथ ही आपके अपने यूट्यूब चैनल PTV हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही पास में लगा घंटे का बटन जरूर दबाइएगा, जिससे हमारे सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे।